हेलो बच्चों, गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जेई मेंस 2021 के सेशन में आपका मोस्ट वेलकम। तो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 12 को, जिसके अंदर हमने तीन टॉपिक को इंक्लूड किया है। इसमें फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड वन है अल्टरनेटिंग करंट एंड थर्ड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन तीनों चैप्टर्स में से जेई मेंस में जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं इन सालों में, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ थिन वायर हैज एरिया 3.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बीटी इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला साइन 50 पाई टी। द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्पेस, देन द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द लूप ड्यूरिंग 0 सेकेंड टू t equals to 10 millisecond is close to। तो हमें चार्ज फ्लो बताना है कि इस ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा लूप में से, है ना। तो आपके पास बेटा यहां पर एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप हमें गिवन है और इस सर्कुलर लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए या पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इस लूप से लिंक जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप इज फाई, ठीक है। तो अगर फ्लक्स फाई है तो किसी इंस्टेंट टी पर इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, ईएमएफ induced EMF, E is equal to minus of d phi by dt के equal होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन हो तो n से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो ये EMF इस लूप के अंदर इंड्यूस होगा। तो अगर मैं इस लूप का रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल R है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट इस लूप के अंदर आ जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू E by R, which is equal to 1 by R माइनस d phi by dt। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ गई। और अगर मैं करंट को इंटीग्रेट कर दूं किसी इंटरवल के लिए तो हमारे पास चार्ज फ्लो आ जाएगा। सिंस I इज इक्वल टू dq by dt, देन dq इक्वल टू I dt, इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। तो dt को बेटा मैं I के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड देन फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह माइनस 1/r इसको इंटीग्रेट कर देंगे d phi को, करेक्ट। तो यहाँ से जो भी इंटरवल है उस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ज आ जाएगा, जो भी चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर भी इंटरवल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डी फाई है, तो फाई इनिशियल, यहाँ फाई फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा एंड माइनस आगे है तो माइनस को अगर आप इंक्लूड करना चाहो इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि फ्लो पूछा है या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, डायरेक्शन तो दे नहीं रखी हमें, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सिंपली मोड ले सकते हो, मोड ऑफ क्यू इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन में आर, इसका भी मोड ले लो, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज अगर हमको मालूम है और जो रेजिस्टेंस है उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर चार्ज आ जाएगा कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, राइट बेटा। फ्लक्स जो है वो बी इंटू ए के इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वैक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक्चुअल में देखा जाए बी डॉट ए होता है, बी ए कॉस थीटा, और यहां पर देखा जाए तो B और A एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका जो लूप का जो एरिया वेक्टर है वो आप अंदर मान सकते हो, क्रॉस भी अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आप इसमें डायरेक्शन सेम करके थीटा की वैल्यू 0 ज्यूम कर सकते हो, तो फाई की वैल्यू B इंटू A के इक्वल आ गई बेटा। अब T बराबर 0 पे बात करें अपन, तो T बराबर 0 अगर मैं रखूंगा इस इक्वेशन में तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, मतलब T बराबर 0 पर B की वैल्यू 0 है, तो B 0 मतलब फ्लक्स भी 0, तो मतलब इनिशियल फ्लक्स जो है वो हमारे पास कितना आया, 0 आ गया। B initial, A तो वही रहेगा। और phi final की बात करें तो B final t बराबर 10 millisecond पर अगर मैं B की value यहाँ पर calculate करूँ तो देखो कितनी value आएगी, 10 millisecond पर B की value 0.4, right? Sin ये 50 pi t है, t की value 10 millisecond, right? 10 into 10 to the power minus 3, मतलब 10 to the power minus 2 आ गया, 10 to the power minus 2 बोले तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 50 से इसको कट करोगे by 2 आ जाएगा, pi by 2 sin pi by 2 equals to 1 होता है, तो b की वैल्यू 0.4 टेस्ला के इक्वल आई बेटा। तो मतलब phi final की वैल्यू, मतलब 10 मिली सेकंड पर जो phi की b की जो वैल्यू है दैट इज 0.4,
और एरिया हमें गिवन है बेटा 3.5 × 10⁻³, तो 3.5 × 10⁻³ से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास फ्लक्स आ गया और रेजिस्टेंस आपके पास 10 गिवन है बेटा, तो जो चार्ज फ्लो करेगा उस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये वाली वैल्यू आप यहां रख दीजिए, फाइनेंशियल तो वैसे भी जीरो है, तो हमें आर से बस इसको डिवाइड करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 0.4 × 3.5 और 10⁻³ है और डिवाइड में 10 भी है, तो 10⁻⁴ आ जाएगा यहाँ पर। ओके, इसको फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो 0.4 × 3.5 को अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बेटा वैल्यू आएगी 4 × 5 = 02 और 12 × 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो 1.4 × 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴ आ जाएगा 1.4 करने के बाद, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी किसके साथ मैच कर रही है। अच्छा, इसमें जो है वो एरिया 3.5 × 10⁻³ है, तो एरिया हमने सही रखा है। बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू 0.4 टेस्ला है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, वो भी 0.4 के इक्वल रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर देखा जाए तो वो भी 1 ही है, तो उसको भी 1 रखेंगे अपन। और यहाँ पर जो R है, रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू 10 ओम के इक्वल है, तो 10 ओम को हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे बेटा, ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁴ आएगा इवन, तो यहाँ पे 1.4 × 10⁻⁴। और अगर आप इसको प्रॉपरली देखें तो अगर मैं इस पॉइंट को इंक्लूड कर लूँ यहाँ पर, इसको हटा दूँ, 10 को यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो आप बेटा यहाँ पर लिख सकते हो 0.14 × 10⁻³। 0.14 × 10⁻³ मतलब 0.14 mC, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं है यहाँ पर बेटा, कुछ करेक्शन है, तो 0.14 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0.14, ठीक है, mC। तो इसके अकॉर्डिंग फिर फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा 14 के आगे फ्रंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स, द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट बाय द ट्रांसफॉर्मर। ओके, इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 5 एम्पियर एंड इट्स एफिशियंसी इज 90%, द आउटपुट करंट वुड बी, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मर है बेटा, राइट, तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट, तो मतलब इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो ये इसकी प्राइमरी कॉइल है बेटा, ये इसका इस तरफ सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। प्राइमरी पर हमने 2300 वोल्ट अप्लाई किया और जो आउटपुट है, जो सेकेंडरी है ना, उस पर हमें आउटपुट मिल रहा है 23 वोल्ट, ठीक है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो नंबर ऑफ टर्न्स उसके हमें गिवन है, और प्राइमरी जो जो वायर है बेटा, जो कॉइल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और हमसे ये पूछा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू कितनी, ये वाली करंट की वैल्यू पूछी है, और एफिशिएंसी आपको 90% गिवन है। एफिशिएंसी का सीधा मीनिंग होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू 100। तो बेटा पी इनपुट की अगर हम बात करें तो वोल्टेज हमें दे रखा है, करंट हमें दे रखी है, वी इनटू आई कर दोगे तो इनपुट पावर आ जाएगी हमारे पास। तो पी इनपुट की बात करें बेटा, पी इनपुट आ जाएगा 2300 मतलब वी इनपुट इनटू में 5, ठीक है। तो ये पी इन आ गया, ठीक है, इसको यहां तक ही रहने देते हैं, और P आउटपुट अपॉन P इनपुट इनटू 100 जो है वो एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी आपको 90% गिवन है ना। तो P आउटपुट जो है वो आ जाएगा 9/10 × P in, और P in की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2300 × 5, ये P in है,
इनटू में 9 बाय 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो P आउटपुट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये 9 इंटू 5 45 आ गया, इनटू में 230, इतना पावर आ चुका है। देखो मल्टीप्लाई मैंने रखा है, ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब हमसे पूछा है कि आउटपुट करंट कितनी होगी, तो आउटपुट करंट ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो आउटपुट पावर जो है, तो आउटपुट पावर जो है वो आपके पास 45 इनटू 230 ना, तो ये वैल्यू आपको किसके इक्वल रखनी है, 230 इनटू में आई, तो ये मैं रख देता हूं 230 इनटू में आई। अब अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे बेटा, 230 से 230 कैंसिल आउट हो गया और आई की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर आ गई, 45 एम्पियर के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 45 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा प्यारा सा ये क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके बेटा, ए सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 सेंटीमीटर इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक क्यूब है बेटा, और ये जो क्यूब है ये कुछ जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह वाला डायरेक्शन अपन कंसीडर कर लेते हैं, करेक्ट। तो ये वाली डायरेक्शन वाई है, ध्यान से देखिएगा, और ये जो क्यूब है जिसकी एज लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर गिवन, मतलब डायमेंशन आपको दे रखे इसके, और ये इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है बेटा क्यूब। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इन द पॉजिटिव डायरेक्शन z, पॉजिटिव z डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन z अज्यूम कर लेता हूं, तो इस तरफ जो है बेटा एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में b वेक्टर, और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 0.1 टेस्ला। तो x डायरेक्शन किस तरफ आएगी, x फिर आउटसाइड आएगी, बाहर की तरफ आएगी, तो x इस तरफ, y इस तरफ, z इस तरफ, तो x y z, राइट एंड थंब रूल, राइट। तो इस वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो। पूछा क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। अगर आप बोर्ड से देखें, x एक्सिस इस तरफ है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस कौन सा होगा, अगर आप इस क्यूब को देखो बेटा, तो ये क्यूब जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जाएगा, यूं जा रहा है बेटा, ये जो क्यूब है ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, कौन सी जो सरफेस है वो कट करेगी, यहां पर अगर आप गौर से देखो तो यहां पर क्लियरली पता लग रहा है, ये जो डायमेंशन है ना, ये देखना, ये वाली, ठीक है, इस वजह से ये डायमेंशन जो, ये इसको कट करके जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। और ये इवन देखा जाए तो x एक्सिस की परपेंडिकुलर फेस है, ये वाला जो फेस है ना, ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस इस तरफ है, x एक्सिस इस तरफ है बेटा, ठीक है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला फेस है, और हमसे ये पूछा है कि इस फेस के परपेंडिकुलरली, ध्यान से देखना, ये जब ये रॉड या ये जो क्यूब है, ये जब क्यूब इस फील्ड को कट करके यूं जाएगा, यूं, ठीक है, तो इसके इन दोनों फेसेस पर, इन दोनों फेसेस पर, यहां पर, यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ईएमएफ जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करना, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है और ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये बॉक्स इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस, यस, परपेंडिकुलर फेस ये वाला आएगा, सॉरी ये वाला आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला जो पार्ट है ये इसको कट करके जाएगा यूं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, राइट। तो एक्स बेटा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है ये, राइट। और अगर आप यहां से ऑब्जर्व करो, इस तरफ से अगर आप ऑब्जर्व करो, तो आपको कैसा नजर आएगा ये, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस तरफ से अगर आप नजर डालोगे तो एक्स इधर नजर आएगा, जेड ऊपर नजर आएगा, एक्स कुछ इस तरफ नजर आ रहा है, जेड ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, जेड की डायरेक्शन में, और ये जो बॉक्स है बेटा वो बॉक्स कुछ ऐसे नजर आएगा आपको, और वो देखा जाए आप किस तरफ डायरेक्शन देख रहे हो, वाई डायरेक्शन, वाई इस तरफ दिखेगा, तो बॉक्स यूं आ रहा है, तो ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर को काटता हुआ आ रहा है यूं, तो इस पार्ट में और इस पार्ट के बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है कि बी वी एल, सिंपल बी वी एल। और यही पूछा हमसे कि जो दोनों जो सरफेस है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो जाएगा,
राइट बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बीवीएल के बराबर होगा, बी की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर कितनी है 0.1, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, एंड जो लेंथ है बेटा वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको मीटर में आप बदल दो, यहां से अगर आप देखो तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 0.1 1.2 हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिली में है, तो आप 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट लिख सकते हो, या 12 मिली वोल्ट आप इसको लिख सकते हो बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कॉइल इज 25 वोल्ट्स व्हेन द करंट इन इट इज चेंज्ड एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम 10 एम्पीयर टू 25 एम्पीयर इन 1 सेकंड। एज वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एन इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल डीआई बाय डीटी। डीआई क्या होता है, चेंज इन करंट, और डीटी मतलब जो करंट में, जो चेंज इन करंट में जो टाइम लगा वो टाइम है, स्मॉल टाइम, राइट। तो जो ई है वो आपको 25 दे रखा है, तो आप 25 रख सकते हो यहां पर, एल मालूम नहीं है, डीआई देखो करंट में चेंज कितना आया 10 एम्पीयर टू 25, तो 25 माइनस 10 ये चेंज आया, और कितने इस चेंज में टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो डिवाइड में 1 सेकंड, तो 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा यहां पर 15 आ जाएगा, 15 से आप डिवाइड कर दोगे तो एल आ जाएगा 25 बाय 15, 5 से कट कर दोगे तो एल की वैल्यू 5/3 के इक्वल आ गई बेटा। अब हमसे क्या पूछा है, द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस में एनर्जी में चेंज कितना आएगा बेटा, इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर में चेंज कितना आया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ एल, आई में चेंज आएगा तो यू में चेंज आएगा, सीधी सी बात है, तो आई फाइनल स्क्वायर माइनस आई इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, 5/3 है तो 5/3/2, आई फाइनल की बात करें बेटा 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, माइनस आई इनिशियल 10 है तो ये 100 आ जाएगा बेटा। अब इसको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा आपको, 5/3 × 2 × ये आ जाएगा आपके पास 525, ठीक है 525। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना आएगा हमारे पास, 5 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 25 आ गया, 2 10 और 2 12 1 25 और 1 26, ठीक है। तो 26 25 मतलब 2625 में आपको 6 को डिवाइड करना है, 6 से कट करोगे 6 24 2 6 18, तो 4 3 है ना 18, और फिर 4 बचेगा 45 आया, 6 7 42, तो 437 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें बस यहां पर हिंट ये दे रखा था कि करंट में चेंज आ रहा है इतना इतने टाइम के अंदर, तो एल निकाल लीजिए, फिर एनर्जी में चेंज फाइंड करना है तो वो उस वे से आप फाइंड कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था हमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। आइए, इन द सर्किट शोन द स्विच S1 इज क्लोज्ड एट टाइम t = 0, राइट, एंड द स्विच S2 इज कैप्ट ओपन एट सम लेटर टाइम t0, द स्विच S इज ओपन्ड, ठीक है। तो ये क्या कह रहे, देखो RL सर्किट है, यहां पे स्विच S2, यहां पे स्विच S1 है, आपसे क्या कहा गया, द स्विच S1 इज क्लोज्ड एट t = 0, S1 को आपने क्लोज कर दिया, जैसे इसको क्लोज करोगे बेटा तो ये RL सर्किट बना कंप्लीटली, और इस RL सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट की जो इक्वेशन है RL सर्किट के अंदर, जब करंट राइज होती है तो उस केस में करंट जब राइज होती है बेटा, तो करंट की इक्वेशन आती है I = I0 ((1 - e)-RT/L, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। आई नॉट स्टेडी स्टेट वाली करंट होती है, जब सैचुरेशन आ जाता है आप ये कहो, ठीक है, आई फिक्स हो जाता है, या टी बराबर इन्फिनिटी कह दो तो I = I0 हो जाता है बेटा, उस केस में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो यही कह रहा है कि t = 0 पे आपने क्लोज किया, एंड द स्विच S2 इज कैप्ट ओपन एट सम लेटर टाइम t0, द स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, मतलब ये कह रहा है कि S1 जो है ना वो आपने t0 टाइम तक जो है इसको ऑन करके रखा और ये ओपन था, तो करंट इस वे से इंक्रीज होगी। और इसका अगर अपन ग्राफ बनाए ना बेटा, इस इक्वेशन को क्रॉस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया जाए करंट का टी के साथ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखो
यू, ठीक है, टी बराबर जीरो रखोगे तो आई की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व आता है ऐसे, और आई बराबर आई नोट पर ये वैल्यू टच कर जाती है, कब, इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर हम बात करें तो, ठीक है, लेकिन ये दे तो नहीं रखा कि ये काफी लॉन्ग टाइम बाद में ऐसा हो रहा है, ये तो नहीं दे रखा, तो हम उस पॉइंट पे तो जाएंगे नहीं, तो ये टी नोट टाइम तक मान लीजिए करंट की वैल्यू यहां तक बढ़ी, उसके बाद में क्या कह रहा है ये, द स्विच एस वन इज ओपन एंड एस टू इज क्लोज, द बिहेवियर ऑफ द करंट एज आई एज फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय, अभी कह रहा है कि इसको तो आपने ओपन कर दिया, इसको आपने ओपन कर दिया और इसको आपने क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही क्या होगा बेटा, जो इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड फिर करंट जो है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी, तो जब करंट डीके होती है ना तो उस केस में जो ग्राफ बनता है करंट के लिए आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इक्वेशन को फॉलो करता है ये ग्राफ, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आता है, ई टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ जैसा बनता है ना वैसा कुछ ग्राफ इसका बनेगा, तो इसके लिए अगर हम बात करें ना बेटा तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो यूं जाएगा, तो पहले तो यूं जाएगा एंड देन फिर यूं जाएगा, तो फर्स्ट में ये इनकरेक्ट है, सेकंड में भी इनकरेक्ट है, थर्ड में भी इनकरेक्ट है, राइट बेटा, लेकिन फोर्थ में करेक्ट हो सकता है, लेकिन फोर्थ में भी थोड़ा करेक्शन है, जेई में के अंदर ये करेक्शन आया था बेटा, तो यहां पर ये यहां पर जो ग्राफ है ना बेटा वो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखें हमेशा, ग्राफ ऐसा जाएगा एंड देन फिर ऐसे जाएगा बेटा, इसका करेक्ट ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट, तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग फोर्थ हो जाएगा अगर हम उसको उस वे से कंसीडर कर लें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, तो ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें इंडक्टेंस के बारे में पूछा है, अगर आप गौर से देखो, देर आर टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ सेम लेंथ एल, द इनर एंड आउटर कॉइल्स हैव रेडाई आर वन एंड आर टू एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन वन एंड एन टू respectively, the ratio of the mutual inductance to the self inductance of the inner coil is, तो सबसे पहले हमें inner coil का self inductance find out करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो जैसे ये coil है, inner coil है, अब इस inner coil में जो number of turns है बेटा वो n1 के equal है, ठीक है, तो n1 number of turns है इस पे per unit length, लेंथ इसकी L के इक्वल है, राइट, अगर आप इसमें कोई करंट I फ्लो करवाते हो, राइट, I फ्लो करवाओ आप, और इसकी रेडियस R1 के इक्वल है, तो करंट I फ्लो करवाने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है म्यू नॉट N1 I, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड में से पास होगा, बी पास हो रहा है, और यूनिट टर्न के क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना आएगा, बी इंटू में एरिया, एरिया आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर वन स्क्वायर, ये एरिया से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, राइट, एरिया से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फ्लक्स आ गया, अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है टोटल इसमें वो कितने हैं, यूनिट लेंथ पे जो टर्न्स हैं वो स्मॉल एन वन है, तो एल लेंथ पे टर्न्स कितने आएंगे, एन वन इंटू में एल, तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको n1 इंटू में l, राइट, तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया, कौन सा फ्लक्स जो इस ट्यूब में से या इस सोलेनोइड में से पास हो रहा है बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड देन फिर नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ गया, क्योंकि फ्लक्स होता है b इंटू a इंटू n, अगर फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में है तो, ये फ्लक्स आ गया बेटा, और फ्लक्स जो है वो L इंटू आई के इक्वल होता है, तो यहां से मेरा L की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, I को बस हटा दो तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो L को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो म्यू नॉट एन वन स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल, राइट, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ चुका है, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया बेटा, अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल के लिए क्या होता है ध्यान से देखना, म्यूचुअल में चाहो तो आप बाहर वाले के रेस्पेक्ट में अंदर वाले का निकाल लो, चाहे अंदर वाले के रेस्पेक्ट में बाहर वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो, क्योंकि M12 और M21 दोनों इक्वल होते हैं बेटा, तो अगर बाहर वाली कॉइल अगर मैं यहां पे यूं ड्रॉ करूं और बाहर वाली का जो रेडियस है वो R2 है, ठीक है, रेडियस अगर R2 है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसमें N2 है, तो बाहर वाली में सपोज आपने मैग्नेटिक या करंट फ्लो करवाई, बाहर वाली कॉइल के अंदर करंट आपने फ्लो करवाई,
तो बाहर वाले के कारण जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट एन टू इंटू आई, अगर मैं करंट बाहर वाली में फ्लो करवाऊं तो म्यू नॉट एन टू आई, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इतना। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस अंदर वाली ट्यूब में से पास होगा, तो अंदर वाली ट्यूब में से पास होगा, तो अंदर वाली ट्यूब में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है एन वन इंटू में एल, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए टोटल, ये हो गया एन, ये हो गया बी। अब बात करते हैं एरिया की, अब एरिया की बात करें कितने एरिया में से पास हो रहा है, पाई आर वन स्क्वायर। ये फ्लक्स आया है कौन से वाला, बाहर वाली सोलेनोइड में करंट फ्लो करवाने से अंदर वाली में से फ्लक्स आ गया, तो ये जो फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो जो रिमेनिंग जो पार्ट है ना, ठीक है बराबर आई, ये जो रिमेनिंग जो पार्ट होगा आई के अलावा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करेगा बेटा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां से अगर अपन देखें तो कितना आना चाहिए, देखो म्यू नॉट एन वन एन टू, म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू पाई आर वन स्क्वायर और इंटू में एल, ये भी एल भी है बाकी सेम रख दिया, देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया है। और हमसे यही पूछा है कि द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल इज, तो M में मुझे L को डिवाइड करना है, तो ये L आपके सामने है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बेटा म्यू नॉट एन वन स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल, और ये L के बराबर है, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो आप देखो जरा सारा पार्ट लगभग कट जाएगा, एन वन से ये एन वन भी कट गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा बोलो, एन टू बाय एन वन है कि नहीं बोलो, तो यहां पर दोनों का रेशियो किसके बराबर आया बेटा, एन टू बाय एन वन के, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। ए कॉपर वायर इज वाउंड ऑन ए वुडन फ्रेम हुज शेप इज दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में एक वुडन फ्रेम है बेटा, और वुडन फ्रेम जो है, इस वुडन फ्रेम पर आपने एक कॉपर वायर वाउंड कर दिया, मतलब लपेट दिया, देखो ऐसे इस टाइप से ये कॉपर वायर लपेट दिया आपने, करेक्ट। इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ ईच साइड ऑफ द फ्रेम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम द सेम, यस, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, ओके, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम सेम, यूनिट लेंथ का मतलब ये है जो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, एक्चुअल में ये ऐसा है देखो, और इसके ऊपर आपने वायर ऐसे लपेट रखे हैं, और आपको आप इसको सामने से देख रहे हो तो ऐसा नजर आ रहा है आपको, तो यूनिट लेंथ पे जो वायर है वो सेम है ना, उनकी उनमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है बाकी तो सब ओके है। चलिए अब हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस देखना है कि कितने गुना बढ़ जाएगा ना, कितने फैक्टर से सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। तो आप ये देखो कि जो लेंथ है ये वाली, ये अगर मैं एल अज्यूम करूं तो ये भी एल आएगा, ये भी एल आएगा, ये कंफर्म है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके अलावा जब मैं इस वायर में, जो वायर आपने वाउंड किया है, इसके राउंड वाइंडिंग जो कर रखी है, इसमें सपोज करंट मैंने आई फ्लो करवा दी, जब आई फ्लो करवाऊंगा तो इतना तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जनरेट होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप, वो पक्का L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें तो कोई दोराई नहीं है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो जनरेट होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की का फॉर्मूला अगर हम देखें, चाहे सर्कुलर लूप ले लें, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2R है ना, तो ऊपर करंट आ जाती है, नीचे रेजिस्टेंस रेडियस आ जाती है, तो जो डायमेंशन है लेंथ उसी डायमेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो कन्फर्म है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/L, जो अंदर बी आएगा इस करंट कैरिंग वायर के कारण, ठीक है। अब इस B को अगर मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इसका डेफिनेटली L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा पक्का, तो एरिया जो है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा ना एरिया। तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स N इंटू बी इंटू ए के इक्वल होता है, राइट, और N नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो उतने के उतने रहने, उनमें कोई फर्क नहीं आना, वो तो उतने के उतने रहने, तो N में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब तो फाई जो है वो बी इंटू ए के प्रोपोर्शनल आएगा, तो फाई देखा जाए तो बी इंटू ए के प्रोपोर्शनल मतलब 1/L इंटू एल स्क्वायर, मतलब फाई देखा जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो एल के प्रोपोर्शनल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और फाई जो है, अच्छा इसमें करंट भी आएगी, ये भी कंफर्म है,
तो फाइव बराबर एल इंटू आई होता है, तो करंट तो इस वाले पार्ट में कट ही जाएगा, क्योंकि बी के अंदर पक्का पक्का करंट आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो करंट यहाँ पे आएगी और ये फाइव जो है वो एल इंटू आई के इक्वल आएगा, और आई से आई ये वाला पार्ट कट जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, बात समझे, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर डायमेंशन को, अगर लेंथ को अगर अपन तीन गुना कर दें तो बताइए सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो तीन गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा, है ना, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ थ्री। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द फिगर शोन ए सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 5 ओम एंड एन इंडक्टेंस विद एल इक्वल्स टू 2 मिली हेनरी। एन आइडियल बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। आपसे पूछा है कि जो करंट है वो बैटरी में से कितनी फ्लो होगी अगर इस सर्किट को काफी लंबे समय तक आप कनेक्ट रखो तो। तो जब लंबे समय तक अगर आप बेटा कनेक्ट रखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए इंडक्टर बेटा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये जैसे कनेक्टिंग वायर है और कुछ नहीं, और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये काफी इजी हो गया है अब, क्योंकि आर और आर आपको पता है दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो आर बाई टू हो जाएगा इक्विवेलेंट, और जब आर बाई टू हो गया तो मेन ब्रांच में जो करंट जाएगी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बैटरी का ईएमएफ 15 वोल्ट अपॉन में आर बाई टू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30 बाय आर, और आर की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 5 ओम है, आया ना, रखोगे कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो बैटरी में से कितनी करंट फ्लो होगी 6 एम्पियर के इक्वल। तो इसमें बेटा 8th का जो है करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8th का आ जाएगा जी 4th ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 पे चलते हैं। ए 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, हॉरिजॉन्टल वायर है और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है, तो इस डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मतलब तो डायरेक्शन कुछ ऐसे है, देखिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना, और वायर को कैसे रखा आपने नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर से इधर की तरफ एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पर, राइट, इट इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जो है वो आप जानते हो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो इसको अगर मैं यहां पर बनाऊं तो मैं इस तरफ शो कर सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये जो रॉड है ना, आप जो ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में ऊपर से देख रहे हो, तो ये रॉड अंदर जा रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, ऐसे गिर रही है, तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा रॉड अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है, इस चीज को थोड़ा गौर से समझना बेटा। और फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इन वायर इज, ओके ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ हमें पता है जनरेट हो जाएगा, तो मोशनल ईएमएफ की हमें इसके लिए हमें फाइंड करना होता है कि एक तो बी वी एल जो है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो अगर आप वो अगर वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो आप इजीली ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो यहां पे देखो बी आपको नजर आ रहा होगा, ये लेंथ है एल, ठीक है, और एल जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो बी वैक्टर आपको नजर आ रहा है बेटा, बी वैक्टर के मैं यहां पर कुछ कंपोनेंट लेने वाला हूं, बी वैक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, राइट, इस तरफ, और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट यूजलेस है, और ये वाला कंपोनेंट इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, और ये एंगल 45, तो ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास, ये वाला दैट इज बी कॉस 45 मतलब बी बाय रूट 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये वाला पार्ट बेटा, और ये जो लेंथ है ये लेंथ इस तरफ है, तो एल और बी बाय रूट 2 परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी इनके भी परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ की वैल्यू मतलब मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी बाय रूट 2 इंटू वेलोसिटी वी इंटू लेंथ एल, बस खत्म। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो बी की वैल्यू कितनी है 0.3, वी की वैल्यू आपके पास है बी की वैल्यू 0.3 10 की पावर माइनस 4, वेलोसिटी आपके पास है यहां पर
5 मीटर पर सेकेंड, ओके, लेंथ आपके पास 10 मीटर, और रूट टू डिवाइड में रख देंगे, रूट टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, इंटू में 0.3, तो 25 इंटू में 0.3 तो ये 7.5 आ जाएगा, और इंटू में रूट टू और इंटू में 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ यहां पर देखा जाए तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है हमें, है ना, और 10⁻³ जरूर है, 10⁻³ जरूर है, तो उसको हम सेटल डाउन कर लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो 7.5 इंटू रूट टू मतलब 1.414, तो 1.4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से देखिए बेटा 77.5, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये 7 और 28, 2, 9, वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 28, 2, 7, 2, 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 8, 8, 16, 15 और ये 10, तो ये आ रहा है हमारे पास 10.50, राइट, 10.50 इंटू में 10⁻⁴ आ रहा है, तो 10.50 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है हमारे पास, है ना। अच्छा, इसके आगे मैंने देखा नहीं है, खैर कोई ना, इसमें एक पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब 1.0 इंटू 10⁻³, तो 1.1 आ रहा है ना यहाँ पर, 0.5 हो सकता है इसके आगे वाला डिजिट जो है वो उसको राउंड ऑफ कर दिया हो, तो इसके अकॉर्डिंग फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि और सारे कोई ऑप्शन है इसके अंदर मेल नहीं खा रहे बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, इन द अबव सर्किट सी इज इक्वल टू √3/2 मिली फैरड, आर टू इक्वल टू 20 ओम, L equals to √3/10 Henry and R1 equals to 10 ohm. Current in L R1 path is I1 and in C R2 path is I2. The voltage of AC source is given by V equals to 200 root 2 sine 100 t volts. The phase difference between I1 and I2 is. So I1 और I2 के बीच में phase difference आपसे पूछा है बेटा, ठीक है। तो AC circuit है ये, तो voltage source जो है बेटा उसकी जो frequency है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है 100 है, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 100 है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, और जो वोल्टेज सोर्स है ये दोनों ब्रांच के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब मैं सबसे पहले इस ब्रांच में करंट फाइंड करूंगा, फिर इस ब्रांच में करंट फाइंड करूंगा, एंगल फाइंड करूंगा इवन, और फिर I1 और I2 के बीच में एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें XL कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इसका रिएक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडक्टर का, और कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। XL और XC कैलकुलेट करेंगे तब जाके बेटा आगे हम बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ XL की, XL कितना आएगा, ओमेगा इंटू L, XL ओमेगा इंटू L के इक्वल होता है, ओमेगा बेटा आपको पता लग चुका है 100 है, और L आपको गिवन है √3/10, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10√3 आ जाएगा, ओम के अंदर है, XL आ गया। अब जब XL आ चुका है आपके पास, तो हम I1 और जो V जो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, V और I1 के बीच में फेज डिफरेंस जरूर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें इंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये तो कंफर्म है कि इंडक्टर अगर कनेक्टेड इस ब्रांच में, तो इसमें जो करंट है वो लैग करेगी वोल्टेज से, करंट पीछे हो जाएगी वोल्टेज से, और कितना पीछे होगी, मान लीजिए वो एंगल 5-1 है, तो वोल्टेज के लिए रेफरेंस लाइन या एरो मैं यूं ड्रॉ कर लेता हूं वोल्टेज के लिए, तो इसमें पक्का इस ब्रांच में जो करंट है ना I1, वो बेटा वोल्टेज से सपोज 5-1 एंगल पीछे है, और यहां पे 5-1 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो 10⁵1 बेटा हमारे पास आ जाएगा XL by R1, ठीक है, क्योंकि सिंपल LR सर्किट है ये, तो R के लिए इधर, XL के लिए इधर, तो जो 5-1 है एक्चुअल में देखा जाए वोल्टेज, अगर मैं करंट इधर मानूं तो वोल्टेज जो है वो 5 एंगल आगे हो जाएगा, तो वोल्टेज से फिर करंट 5 एंगल पीछे हो जाएगी, ठीक है, तो 5 निकालना है हमें यहां पर, तो 10⁵1 इक्वल्स टू XL by R1, XL की वैल्यू बेटा 10√3 है, और R1 की वैल्यू अगर यहां से देखें तो R1 की वैल्यू 10 ओम है बेटा, तो 10 ओम यहां रख देंगे, तो ये √3 आ गया, और 10⁵1 अगर √3 है तो 5-1 हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, तो 5-1 60 डिग्री आ चुका है, ये क्लियर हो गया यहां तक। फिर हम बात करते हैं ऊपर वाले सर्किट की, उसके लिए हमें XC कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो XC बराबर कितना होता है 1/ωC, ओमेगा की वैल्यू 100,
सी की वैल्यू जो है बेटा रूट थ्री बाई टू मिली फैरड है, तो रूट थ्री बाई टू ऊपर चला गया, मिली मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा मतलब 1000, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ चुकी है 20 बाई रूट 3, तो XC की वैल्यू 20 बाई रूट 3 के इक्वल है। अब ये पता है हमें कि ऊपर वाले सर्किट के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड है, पक्का पक्का करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगी, वोल्टेज से आगे होगी। लेट से करंट जो है वोल्टेज से, ये जो इस ब्रांच में जो करंट I2 है ना वो वोल्टेज से phi 2 एंगल आ गया बेटा, तो tan phi 2 इस केस में हमारे पास आ जाएगा XC बाय R2, XC बाय R2, XC की वैल्यू बेटा 20 बाय रूट 3 है और R2 की अगर हम बात करें तो R2 हमारे पास है 20 ओम, 20 रख देंगे डिवाइड में, ये सिकट जाएगा 1 बाय रूट 3, तो यहां से बेटा phi 2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 30 डिग्री, तो phi 2 जो है 30 डिग्री है ये वाला और phi 1 60 डिग्री है, तो बताइए I1 और I2 के बीच में एंगल कितना आया 90 डिग्री, तो फेज डिफरेंस हमसे पूछा है बिटवीन I1 एंड I2 बेटा, तो I1 और I2 के बीच में फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हां बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ए 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज फ्रॉम द फिगर, द टाइम एट व्हिच रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जूल्स हीट अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेट एट व्हिच द मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज, तो 10 ओम रेजिस्टेंस में जो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है व्हिच इज आई स्क्वायर आर, पावर ही तो होगी, वो पावर जो है वो इंडक्टर में जो एनर्जी रेट जो है जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके इक्वल है, तो उस समय तक बताइए टाइम कितना लगेगा जब ये ऐसा हो जाएगा। वैसे ये एलआर सर्किट है आप जानते हो, ठीक है, तो एलआर सर्किट में जब बैटरी से कनेक्ट करोगे बेटा तो किसी इंस्टेंट टी पर करंट की वैल्यू आई बराबर आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल के इक्वल होता है बेटा, ये करंट होती है, आई नॉट स्टेडी स्टेट में करंट होती है, स्थायी अवस्था में धारा होती है बेटा। तो अभी जो ये इसने हिंट दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां पर इसमें जो पावर कंज्यूम होगा रेजिस्टेंस में वो आई स्क्वायर आर के इक्वल होगा और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल होती है, और इसका अगर मैं रेट फाइंड आउट करूं टी के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो डी यू बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा एल बाई टू आई स्क्वायर का टू आई इंटू डी आई बाई डी टी, ये रेट आ गया बेटा, कट करो तो एल आई डी आई बाई डी टी आ गया, इसका मतलब आई स्क्वायर आर जो है वो एल आई डी आई बाई डी टी के इक्वल जब होगा तो वो टाइम बताना है हमें, आई से आई कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो इसका मतलब आई आर जो है वो एग्जैक्टली एल डी आई बाई डी टी के जब बराबर होगा ना तब पूछा है टाइम, ठीक है। तो अब जो आई है आपके पास यहां पर जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है आई की, वो इक्वेशन यहां पर रख देंगे, इसकी वैल्यू यहां पर रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे आई की वैल्यू डायरेक्ट रख दो यहां पर आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये तो आई आ गया और इनटू में आर है इज इक्वल टू एल, देन डी आई बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगर आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करोगे तो आई नॉट तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर बाय एल और ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल आ गया बेटा, ठीक है। तो एल से एल ये कैंसिल आउट हो गया, उसके अलावा आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, देखो आई नॉट से आई नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर केवल e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल बचा और यहां पे 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल बचा, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल के इक्वल आ गया। अब ये 2 को इधर ले जाइए 1 बाई टू एंड देन फिर लॉग ले लीजिए, तो 1 बाई टू इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल के इक्वल है, लॉग लोगे तो लॉग नेचुरल एल एन, तो लॉग 1 बाई टू क्या आ जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 2, लॉग 1 की वैल्यू 0 तो माइनस का एल एन 2 आ गया ये, और यहाँ पे अगर लॉग लॉगे तो ई हट जाएगा तो माइनस का आर टी बाई एल के इक्वल आ गया बेटा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी आ जाएगा बेटा एल इधर चले ले जाओ एल बाय आर एल एन टू, एल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एल की वैल्यू है आपके पास 20 हेनरी और आर है आपके पास 10, तो 20 बाय 10 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 एल एन टू, तो 2 एल एन टू कहाँ पर मिल रहा है हमें सेकेंड ऑप्शन बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 12, ए थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑन ए यू शेप्ड वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 न्यूटन पर मीटर सी फिगर, द असेंबली इज कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, इफ द स्ट्रिप इज पुल्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज्ड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इट परफॉर्म्स बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ ई इज कैपिटल एन, if the mass of the strip is 50 grams its resistance 10 ohm and air drag negligible n will be close to, ye question beta
ईएमआई से रिलेटेड है, और इसमें साथ ही साथ ऑसिलेशन को भी कंसीडर किया गया है, और ऑसिलेशन में भी डैम्प्ड ऑसिलेशन को कंसीडर किया गया बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, कुछ इस शेप में, कुछ वायर है ये यू शेप्ड वायर, और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस रेफरेंस लाइन से ये जो स्ट्रिप नजर आ रही है बेटा, इसको आपने एक्सटेंड करके छोड़ दिया, तो फिर ये यूं ऑसिलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो, राइट। स्प्रिंग भी इस पर फोर्स लगाएगी तो यूं ऑसिलेट हो रहा है, साथ ही साथ इसमें करंट भी फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस भी है, तो इसके कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस भी होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो लगातार उसका जो ऑसिलेशन है, जो उसका एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, एंड फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा, ऐसा कुछ ही प्रोसेस होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट टी पर ये जो स्ट्रिप है या जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वेलोसिटी वी से, और उस केस में जो ये अपनी मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो एक्स के इक्वल है, रॉड की जो लेंथ है वो एल के इक्वल है, और स्प्रिंग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग भी डेफिनेटली एक्सटेंडेड होगी, ठीक है, खींची भी होगी। तो स्प्रिंग का मैं डायग्राम यहाँ बना लूँ, स्प्रिंग बेटा कहीं ना कहीं ऐसे ये कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स होगा, ठीक है, इस रॉड की जो वेलोसिटी इस तरफ है। तो यहां पर अगर हम देखें स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स डेफिनेटली इसी डायरेक्शन लगाएगी, और उस फोर्स की वैल्यू के एक्स के इक्वल होगी, कोई इशू नहीं यहां तक। उसके अलावा जब ये रॉड यू मूव कर रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो बी वैक्टर अंदर की तरफ है, वेलॉसिटी इस तरफ है, तो V क्रॉस B की बात करें तो करंट जो है वो करंट कुछ इस तरफ से जाएगी, यूं जाएगी, और जब करंट यूं जाएगी इसमें, ठीक है, और यहाँ पर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर मैंने V कंसीडर की है, तो इस रॉड के अलोंग जो मोशनल EMF जनरेट होगा, उस मोशनल EMF की वैल्यू BVL के इक्वल होगी, ये भी क्लियर है। तो वो करंट को यूं फ्लो करवाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे। अब जब करंट इसमें यूं फ्लो करेगी, तो बेटा इस वायर पर IL क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स भी इस तरफ लगेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसको इस तरफ जाने से रोकेगा, और ILB की डायरेक्शन भी यही आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए इस वायर पे जो लगने वाला फोर्स है वो इसी तरफ है, वेलोसिटी मैंने इस तरफ कंसीडर की है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है, या आप ये कहो कि अगर मैं फोर्स इस तरफ कंसीडर करूँ, तो फोर्स ओवरऑल जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ को नेगेटिव कंसीडर कर लूँ, या मीन पोजिशन ये वाली लाइन है, तो मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, लेकिन फोर्स उसके जस्ट अपोजिट है बेटा। So I can write net force on this rod, which is MA, is equal to minus KX minus ILB. ये force आ गया, right? Acceleration negative है, ठीक है, इसमें sign का ही है, और कुछ नहीं है, ये देखो। और I की जो value है, I जो इसमें current flow होगी बेटा, वो EMF, motional EMF में अगर मैं R को divide कर दूंगा, resistance को अगर मैं divide कर दूंगा, तो current की value आ जाएगी, तो current यहाँ पे कितना आएगा? BVL by R. तो BVL by R जो current है, ये जो करंट है बेटा वो मैं यहां रख दूंगा, और इस वाले पार्ट को मैं इस तरफ ले आता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम ए प्लस के एक्स प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और फिर जो मास है इस मास को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, एम से डिवाइड भी करना साथ ही साथ। अब इसके बाद में ये लिखता हूं, सबसे पहले मैं b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr, करेक्ट, और इनटू में v आ रहा है, m से डिवाइड कर चुका हूं मैं, इनटू में v आ रहा है, v को लिख सकता हूं बेटा dx by dt, ठीक है, जो पोजीशन है x उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dx by dt आ गया, प्लस में kx बचेगा, और m को भी डिवाइड करना है, तो k by m into x is equal to zero। ये आपके पास बहुत ही प्यारी सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो चुकी है बेटा। अगर आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा है तो आप जानते हो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट, जो कि आपको याद भी रखना है, x इज इक्वल टू सॉल्यूशन देखिए क्या है, a नॉट e टू द पावर माइनस गामा टी कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। अगर आपने इसको एक्सटेंड करके देन रिलीज किया है
तो टी बराबर जीरो पर अगर आप ये कह रहे हो कि इसको एक्सट्रीम पोजिशन रिलीज किया बेटा, तो उस केस में फाइव की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फाइव जीरो हो जाएगा और केवल इक्वेशन यही वाली बनेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये बेटा इसका एम्पलीट्यूड है और डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली लगातार डिक्रीज करता है बेटा, ये एम्पलीट्यूड है इसका इक्वेशन का। अब यहाँ पे जो गामा है उसका मीनिंग क्या है वो देख लीजिए। गामा बेटा ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला dx by dt के का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ होता है, मतलब b स्क्वायर l स्क्वायर बाय 2mr, इसको बोलते हैं हम गामा, राइट। अच्छा अगर मैं गामा की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करूं तो वो कितनी आएगी उसको भी देख लेते हैं अपन, तो हमें सारी वैल्यू देखनी पड़ेगी वापस। तो देखिए यहां पर b की जो वैल्यू है, b हमें दे रखा है 0.1 टेस्ला, तो 0.1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वेयरिंग करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया, इनटू में l स्क्वायर, l 10 सेंटीमीटर है तो अगेन 10 टू द पावर माइनस 1 आ गया, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया, अपॉन में 2। मास कितना है इस स्ट्रिप का, मास है 50 ग्राम, 50 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये केजी के अंदर आ गया, और रेजिस्टेंस इस स्ट्रिप का बेटा 10 ओम है तो 10 से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बाकी बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। तो ये गामा की वैल्यू अगर अपन यहां से कैलकुलेट करें बेटा, ये देखो ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, ये 0 इससे हट जाएगा, 0 इससे हट जाएगा, और 5 इनटू 10 मतलब नीचे भी 1000, 10 टू द पावर माइनस 3 पूरा कट गया, ये पूरा 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू फिर अल्टीमेटली हमारे पास कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 4 के इक्वल आई है, गामा की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 है बेटा, ठीक है। जो आपको ओमेगा डैश नजर आ रहा है वो इस डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश है, और ओमेगा डैश को बेटा अपन लिखते हैं अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, गामा काफी छोटा है यहां पर, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नोट। क्या होता है ओमेगा नोट, अगर आप इस इक्वेशन देखो बेटा ये के बाय एम नजर आ रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ के बाय एम जो है वो ओमेगा नोट को रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर मतलब सिंपली के बाय एम आ गया, और माइनस गामा स्क्वायर, गामा आपको पता ही है 10 टू द पावर माइनस 4 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में और छोटी हो जाएगी, ये देखते हैं ये क्वांटिटी कितनी है। K की वैल्यू अगर आप देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपको 0.5 न्यूटन पर मीटर दे रखा है और मास 50 ग्राम है, तो चलिए देखते हैं। तो मास इस K की वैल्यू 0.5 है और मास 50 ग्राम है बेटा, 50 ग्राम मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसके सामने तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है भाई, ठीक है। अच्छा माइनस 3 ऊपर जाएगा, ये क्वांटिटी बहुत छोटी है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब इस क्वांटिटी को इग्नोर किया जा सकता है, तो जो ओमेगा डैश है ना यहाँ पर वो लगभग लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाय एम के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो 0.5 अपॉन 50 और ये 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो 1000 आ गया है ना, और ये 0.5 हटा दीजिए ये 500 आ गया, 0 से 0 कटा, 5 से 5 कटा, तो ये अंडर रूट 10 के इक्वल आ गया। तो ओमेगा डैश की वैल्यू ऑलमोस्ट अंडर रूट 10 है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, जो ये ऑसिलेट होगा ना उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड आएगा एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आएगा उसको अगर अपन कैलकुलेट करें टी डैश, तो वो आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा डैश, राइट, 2 पाई बाय ओमेगा डैश। और 2 पाई में अगर मैं ओमेगा डैश जो कि रूट 10 के बराबर है इसको अगर रख दूं बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो ये पाई है, पाई और ये रूट 10 है, रूट 10 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाई के इक्वल होता है, क्योंकि पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 के इक्वल होता है बेटा, तो लगभग लगभग इसे अगर आप कट करोगे तो इसकी वैल्यू 2 सेकंड के ऑलमोस्ट आ रही है, बराबर आ रही है लगभग। तो ये 2 सेकंड का डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो कर रहा है लगभग 2 सेकंड के आसपास, लेकिन लगातार एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो ऑसिलेशन है बेटा, अगर आप इस प्रश्न को पढ़ पा रहे हो आप वीडियो को बैक ले जाके देख सकते हो बेटा, ये कह रहा है कि जो इसका एम्पलीट्यूड है इस ऑसिलेशन का वो ई फैक्टर से जब रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड शुरुआत में कितना था ए नोट था और अब कितना होना चाहिए ए नोट बाई ई होना चाहिए, तब बताइए कि इस दौरान इसने कितने ऑसिलेशन किए, और ऑसिलेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन है तो एन की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे, राइट। तो एम्पलीट्यूड जो है अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये देखो ये एम्पलीट्यूड है बेटा पूरा, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं यहां पर, गामा की वैल्यू हमें चाहिए होगी यहां पर, गामा है हमारे पास यहां पर, तो ये एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा ए नोट बाई ई के इक्वल, ए नोट से ए नोट कट गया,
इसका मतलब इस e को ऊपर लेके जाऊं, e की पावर माइनस वन आ गया। अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर तो e की पावर माइनस गामा टी, यहां पर e की पावर माइनस वन, तो गामा टी बराबर वन होना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन गामा, मतलब इतने टाइम के बाद उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई ई के इक्वल हो जाएगा। और गामा बेटा यहां पर 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 सेकंड, मतलब 10,000 सेकंड बाद में एम्पलीट्यूड जो है वो ए नॉट बाई ई के इक्वल होगा। तो अब आप ये बताओ, टाइम 10,000 सेकंड लग गया और एक ऑसिलेशन में जो टाइम है वो 2 सेकंड लग रहा है, तो बताइए नंबर ऑफ ऑसिलेशन फिर कितना हुआ। एक ऑसिलेशन में 2 सेकंड है, टाइम इतना लगा है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन इज इक्वल टू टी बाय टी डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। सिंपल, ये 10,000 है और ये 2 सेकंड है, डिवाइड करोगे बेटा तो रफली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो ये रफली वैल्यू ली थी हमने, ये वैल्यू आ गई 5000 ऑसिलेशन होंगे तब जाकर के एम्पलीट्यूड बेटा ई फैक्टर से जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं फिर, इसको पूरे को रब कर दूं मैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए सोलेनोइड इज फिक्स्ड, कैपिटल एन फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स्ड है, however its length l is varied by adjusting the separation between the windings, hai na, l ko aap change kar sakte ho, the inductance of the solenoid will proportional to, to solenoid ka jo inductance hai wo l ke sath kaise vary karega beta, ye cheez humse puchi hai yahan par, right? to inductance jo hai solenoid ka wo uska formula kya hai, hai na, jaise maine pehle bhi bataya tha thodi der pehle, area of cross section iska a hai, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल n है तो उसके इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, म्यू नॉट n इनटू I, और इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स देखा जाए एक टर्न के क्रॉसपॉन्डिंग, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो अगर आपको पता लग जाए, वो सपोज कैपिटल n है तो कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल फ्लक्स आ गया, ये फ्लक्स फाई है और आई का जो कोफिशिएंट होगा वही एल को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आई का कोफिशिएंट यहां पे कितना आया, म्यू नॉट ए स्मॉल एन कैपिटल एन। अब ये कह रहा है अपन को कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो फिक्स्ड है, इसका मतलब एन फिक्स्ड है यहां पर, कैपिटल एन फिक्स्ड है, और स्मॉल एन क्या होता है बेटा, स्मॉल एन जो है वो होता है एन बाय एल, एल ऊपर आ गया नीचे आ गया सॉरी, और ये एन स्क्वायर, यही तो आया, यही तो है इंडक्टेंस की वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है, अगर आप L को चेंज करो द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो L के साथ किस तरीके से वैरी करेगा, 1 अपॉन L के प्रोपोर्शनल आएगा बेटा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और सारे कांस्टेंट है बेटा, एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट टोटल, ठीक है, तो 13 का बेटा यहां पर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, आइए, ए वेरी लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग करंट आई टी इक्वल टू के टी ई टू द पावर माइनस एल्फा टी, तो सोलेनोइड है, रेडियस आर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपको दे रखी है I इज इक्वल टू के टी ई टू द पावर माइनस एल्फा टी, और K इज ग्रेटर देन 0, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, द काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये सोलेनोइड जो है, इस सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया ये, है ना, और क्लॉकवाइज तो इस तरफ हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है हमें, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है हमें। ए सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सोलेनोइड, यस, अच्छा एक रिंग ले रखी है, इस सोलेनोइड की तो रेडियस r है और आपने जो रिंग ली है बेटा वो रिंग कहीं ना कहीं यहां पर है, यह है रिंग, और इसकी रेडियस बेटा 2r है आपके पास, ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी 2r है, एंड कोसेंट्रिक विद द सोलेनोइड, द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर कॉइल इज करेक्टली डिपिक्टेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाय, तो इस आउटर कॉइल के अंदर करंट पूछा है हमसे, तो सीधी सी बात है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर सोलेनोइड में करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके अंदर जो फ्लक्स पास होगा बेटा, अगर करंट यूं फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में, सही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ आएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, और अगर आप देखो गौर से यहाँ पे तो करंट की इक्वेशन बड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी है, के टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी है, तो इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, पॉजिटिव लेना हमें टी की वैल्यू, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, टी की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखोगे तो
क्वांटिटी नेगेटिव थोड़ी होगी, करंट की वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव बोले तो काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ। तो बी जो है बाहर की तरफ है, डॉट बाहर की तरफ है, तो इस रिंग से रिलेटेड जो फ्लक्स आएगा वो भी बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो बाहर के अकॉर्डिंग जो इसको सपोर्ट करे, बाहर के अकॉर्डिंग इस वाले रिंग में जो करंट है आप इस तरफ अज्यूम कर लो, इंड्यूस्ड करंट आई डैश डॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया मैंने। और जो आई डैश है वो बेटा इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई बाय जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मैं स्मॉल आर मान लेता हूं इस रिंग का, स्मॉल आर के बराबर होगा। और जो ई है बेटा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। अब फाई जो है केवल इसी रीजन में है, यहां पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो एरिया भी आएगा इसके अंदर, और एरिया आएगा इसका बेटा केवल पाई आर स्क्वायर माइनस आ गया, और ये एरिया आ चुका है, और इंटू में डीबी बाई डी टी, राइट, डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी की बात करें तो करंट आपके पास है यहां पर, ये मैं एरिया ले चुका हूं ये वाला। db by dt की बात करें तो ये जो सोलेनोइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, mu not ni, तो mu not माइनस आ चुका है यहां पर, ध्यान देना mu not n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस सोलेनोइड का होगा, और इनटू में i, और d क्योंकि db by dt कर रहे हैं तो di by dt जरूर आएगा साइड में। ये बेटा यहां पर emf आ गया, तो करंट है i डैश वो e by r के इक्वल है बेटा। तो हमें तो केवल प्रोपोर्शनलिटी साइन के अकॉर्डिंग बताना है कि रफली ग्राफ कैसा बनेगा, एक आइडिया लगाना है। तो ये सारी क्वांटिटी देखो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, म्यू नॉट, स्मॉल एन, सब कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये इस पूरे पार्ट को मैं कांस्टेंट से डिफाइन कर देता हूं, उसको मैं अल्फा नहीं उसको मैं कुछ और कांस्टेंट ले लेता हूं, यहां पे लिख देते कैपिटल ए लिख देते हैं, चलो उसको एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। और इवन माइनस को मत भूलना, यहां पे माइनस का बहुत तकड़ा लफड़ा है, क्योंकि माइनस अगर हो गया चेंज तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेटा, तो माइनस तो एज इट इज रखना ही हमें। अब di by dt करना है तो ये i आपके सामने है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो di by dt देखो कितना आएगा, k as a constant है, सबसे पहले t का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो e to the power minus alpha t आएगा, t का वन हो जाएगा, फिर प्लस, फिर t as it is और e to the power minus alpha t का डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर, ठीक है, तो माइनस का अल्फा आ जाएगा, t as it is आ जाएगा और e to the power minus alpha t आ गया, थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हल्का सा, तो e to the power minus alpha t, t का वन हो गया, फिर माइनस अल्फा टी का माइनस अल्फा बाहर आ गया, इट दीवा माइनस अल्फा टी, और टी का टी एज इट इज रह जाएगा, तो ये डी आई बाई डी टी आ चुका है बेटा। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस ए है, फिर यहाँ पर के आ जाएगा, और फिर अंदर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी, एंड देन माइनस अल्फा टी ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी, बेटा कुछ इस टाइप का ये फंक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर हमें ये ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, तो अब ये जो ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी इसको आप पॉजिटिव में बना सकते हो चाहो तो, पॉजिटिव में अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए इसको आई डैश बराबर, ध्यान से देखिएगा, माइनस ए के, यहां पे ऑलरेडी पहले माइनस साइन है तो उसका ध्यान रखना है, ये वन अपॉन में आ जाएगा, ये भी वन अपॉन में आ जाएगा, तो वन अपॉन में और ये भी वन अपॉन में, तो ई टू द पावर वन बाय अल्फा टी आ गया यहां पर, वन माइनस अल्फा टी, ठीक है। और यहां पे मल्टीप्लाई में चाहो तो वैसे कोई फर्क पड़ना नहीं है, माइनस अल्फा टी आ गया, ये कुछ ऐसी इक्वेशन आपके पास, ठीक है बेटा। अब अगर आप गौर से देखो टी बराबर जीरो पे या स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें, बहुत ही कम समय में टी बराबर जीरो के पास देखें यहां पर, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो कंफर्म है ई टू दी पावर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो सकता है, मतलब छोटा हो सकता है, वन से छोटा हो सकता है, तो वन से छोटा होगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो बाकी आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब t बराबर जीरो के पास में चले ना तो पक्का करंट नेगेटिव की तरफ जाएगी, पक्का जाएगी। हाँ t बराबर जीरो पे कहे, t बराबर जीरो पे अगर आपसे कोई कहे करंट की वैल्यू क्या है यहां पर, तो देखो करंट की वैल्यू क्या है, t बराबर जीरो पे ये वाला पार्ट वन हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये वन बचा, ये माइनस, माइनस मतलब नेगेटिव में, नेगेटिव में करंट आनी चाहिए, नेगेटिव में करंट आएगी इसका मतलब नीचे की तरफ है, इसमें जा रहा है, उसमें पॉजिटिव है, ये जीरो है, ये जीरो है, देखो पूरा पूरा सेट हो रहा है। और जैसे से आगे बढ़ेंगे t बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी एक से ग्रेटर होते ही तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, मतलब करंट ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी वापस। तो यहां से इक्वेशन से हमें थोड़ा आइडिया ये लग रहा है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए बेटा, सेकंड होना चाहिए, बाकी आप इस ग्राफ को पॉइंट टू पॉइंट रख करके फाइंड कर सकते हो ग्राफ कैसा बनेगा। तो बेटा 14th नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
A transformer consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 kilovolt. If the current in the secondary coil is 10 ampere, then the input voltage and the current in the primary coil are. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये बेटा, वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर का. आपको यहां पर ये गिवन है कि जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो करंट है बेटा I2 वो 10 एम्पियर के इक्वल है, ठीक है, और सेकेंडरी गिव्स आउटपुट पावर 2.2 किलोवोट. सेकेंडरी में जो आउटपुट पावर है वो आपको दे रखा है बेटा 2.2 किलोवोट मतलब इनटू 1000 मतलब 2200 वोट है ना, 2200 वोट पावर है आउटपुट वाली. तो आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा वो आप निकाल सकते हो क्योंकि P नॉट इक्वल्स टू V नॉट इनटू I नॉट आउटपुट के लिए. तो V नॉट आ जाएगा P नॉट अपॉन में I नॉट, ये I नॉट है आउटपुट के लिए. तो इसमें 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं पावर में तो वोल्टेज कितना आया, 220 वोल्ट आया आउटपुट वोल्टेज आ चुका है आपके पास. और प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें तो बेटा यहां पर जो टर्न्स हैं वो है 300, ठीक है, एंड यहां पर है 150. तो जस्ट इसका हाफ है ये, या ये कहो कि इसका जस्ट ये डबल है. तो वोल्टेज भी यहां पे डबल आएगा क्योंकि वोल्टेज जो होता है ट्रांसफार्मर में बेटा वो टर्न रेशियो जो है उन्हीं के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उन्हीं के प्रोपोर्शनल आता है. तो ये अगर ये 2 टाइम्स है इसका तो 220 का ये 2 टाइम्स होना चाहिए इनपुट वोल्टेज. तो V इन आ जाएगा बेटा इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 440 वोल्ट, 440 वोल्ट. अब जब 440 वोल्ट है पावर एफिशिएंसी अपन 100% अज्यूम करेंगे अगर आपको कुछ नहीं दे रखा हो तो एफिशिएंसी अगर 100% अज्यूम करें तो बेटा इनपुट पावर भी वही रहेगी जो आउटपुट पावर है. तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर अगर सेम लें तो बेटा इनपुट जो करंट है उसको अगर मैं आई आई कंसीडर करूं तो आई सब आई इज इक्वल टू पावर को सेम लूंगा मैं 2200 अपॉन में 440. इसको सॉल्व कर लें बेटा ये 2 टाइम्स हो जाएगा और इससे कट करोगे तो ये 5 एम्पियर आ गया. तो इनपुट करंट 5 एम्पियर है और इनपुट जो वोल्टेज है बेटा प्राइमरी कॉइल के अंदर वो 440 वोल्ट है. तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम. आफ्टर द स्विच इज क्लोज द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेन 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू इज. एज वी नो फॉर आरएल सर्किट, आरएल सर्किट आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आरटी बाय एल के इक्वल होता बेटा है ना ट्रांजिएंट सर्किट के लिए. तो इस वे से करंट जो है वो इंक्रीज होती है, राइज होती है बेटा. यहां पर रेजिस्टेंस 0.1 ओम है लेकिन जो बैटरी है ना उसका भी 0.9 ओम है. इसका मतलब टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ गया विच इज 0.1 प्लस 0.9 मतलब 1 ओम. तो आर की वैल्यू 1 ओम यहां रख देंगे हम, एल की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा. और ये कह रहा है जो आई है ना वो आई नॉट का 80% है, आई जो है वो आई नॉट का 80% है. इसका मतलब 0.8 आई नॉट है ये, और ये वाला आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर की वैल्यू मैंने अभी भी बताया आपको 1 रखना है, टी बाय एल, एल की वैल्यू बेटा 10 मिली हेनरी है मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा ये. और इसको माइनस 2 को जब आप ऊपर लेके आओगे तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है. तो ये यहाँ पर इसको वैल्यू को रख देते हैं अपन, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100, ठीक है. ये कुछ वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है. अब ये आई नोट से आई नोट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. अब ये 0.8 है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है पक्का पक्का 0.2 के इक्वल होगा. तो ई टू दी पावर माइनस 100 टी जो है वो 0.2 के इक्वल है, ठीक है बेटा. तो ये सिंपल सा केस है यहाँ पर. अब इसके बोथ साइड अगर मैं लॉग ले लूँ बेटा तो लॉग लेंगे तो ये ई हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 100 टी और यहाँ पे लॉग लोगे तो ln 0.2 और ln 0.2 आप कह सकते हो 1/5 होता है, ln 1/5. तो ln 1 0 तो माइनस का ln 5 आ गया बेटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया. देन यू हैव t इक्वल्स टू ln 5/100, ln 5 इज 1.6 और 100 से अगर आप डिवाइड कर दो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. तो बेटा यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. द फिगर शोज ए स्क्वायर लूप l ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. यस स्क्वायर लूप है 5 सेंटीमीटर,
साइड लेंथ का है विच इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, द होल सेटअप इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपको वेलोसिटी गिवन है, साइड लेंथ गिवन है, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इस वायर के अंदर। इस वायर में नहीं होगा, इस वायर में नहीं होगा, केवल इसी वायर में होगा। और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आप जानते हो बीवीएल के बराबर होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर ही लें कि उसकी जरूरत आगे जरूर पड़ेगी, कंफर्म है। तो बीवीएल, तो बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1 टेस्ला, देखो तो 1 वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 10^-2 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 10^-2 मीटर पर सेकंड हो गया। और इनटू में एल भी है विच इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10^-2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको वोल्ट के अंदर कनेक्ट कन्वर्ट कर लिया है, तो ई बराबर आ चुका है आपके पास 5 × 10^-4 वोल्ट। ये ईएमएफ बेटा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एट सम इंस्टेंट ए पार्ट ऑफ एल इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल इज 1.7 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ एल, ओके 1.7 ओम, तो मतलब ये कह रहा है इस स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है ना 1.7 ओम है, इसका मतलब उसको हमें ऐड करना पड़ेगा आगे। द करंट इन द लूप दैट एट दैट इंस्टेंट विल बी क्लोज टू, तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 1/2, 1/2, तो ये वाला 3 ओम जो है कोई काम का नहीं है। इसका मतलब 1 और 1 जो है वो दोनों सीरीज में 2 आ जाएगा, 2 और 2 सीरीज में 4 आ जाएगा, तो 2 एंड जो 4 है वो पैरेलल के अंदर आएंगे, तो पैरेलल में कितना आ जाएगा 2 × 4/2+4 मतलब 6, ठीक है। तो यहां से इसको कट कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ गई 4/3 होता है 1.33, तो इसका रेजिस्टेंस 1.33 ओम के अराउंड है और लूप का रेजिस्टेंस 1.7 ओम के अराउंड है और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है 1.3 + 1.7 बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओम, ऑलमोस्ट जो है वो इसके अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस रहेगा इस लूप के अंदर। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा बेटा, वो जो भी इधर फ्लो होगा या इधर फ्लो होगा, जो भी है, करंट की वैल्यू I = E/R आएगा, और ई जो है बेटा आपके पास है 5 × 10^-4 और जो आर है आपके पास वो है 3, है ना, 3 के इक्वल है, तो 5/3 से आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ऑप्शन में माइक्रो दे रखा है, तो आप 2 0 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500/3 × 10^-6, या इसको आप माइक्रो एम्पियर भी बोल सकते हो, 500/3, इसको अगर आप कट करो बेटा रफली आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये 1 आ जाएगा, एंड देन 10 10/3 अगर हम बात करें बेटा तो ये 3 आएगा, नहीं 10 नहीं, ये 500/3 है ना, तो 3 1 then 2, तो ये आ जाएगा 6 के राउंड, फिर देन 2 then 6 के राउंड, तो 166 इसके आसपास ये वैल्यू रहेगी, 166 के अराउंड ये वैल्यू आएगी बेटा, माइक्रो एम्पियर के अंदर आंसर आएगा, तो हमारा जो आंसर है 17 के क्रॉसबॉन्डिंग बेटा वो आंसर आ जाएगा 170 माइक्रो एम्पियर। ये रफली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, क्योंकि हालांकि मैंने यहाँ पर 4/3 1.33 आएगा, तो उसको सम करोगे तो 3 ओम से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, 3 ओम से बेटा ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, तो रफली हमने ये वैल्यू लिखी है। तो इसने ये पूछा है कि ये वैल्यू किस वैल्यू के क्लोज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बेटा ये इसमें कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द एलआर सर्किट शोन द फिगर, इफ द स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल्स टू 0, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी बिटवीन टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू एल बाय आर इज, ये पूछ रहा है कि इस ड्यूरेशन में बताइए चार्ज कितना पास होगा। तो एक चीज तो ये कंफर्म है कि अगर आपको चार्ज फाइंड करना है इंडक्टर में से, तो आपको याद होना चाहिए चार्ज की जो वैल्यू है क्यू, ठीक है, क्यू की वैल्यू आपको बताई थी 5 final - 5 initial / R के इक्वल होता है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और जो 5 है वो L × I के इक्वल होता है। इंडक्टर के लिए बात करेंगे हम यहां पर, तो 5L × I के इक्वल होगा, और इनिशियली अगर हम बात करें t = 0 पे तो कोई करंट ही नहीं होगी, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो करंट 0 रहेगी उस समय, तो 5 इनिशियल तो कंफर्म है 0 आएगा, तो q = 5 final क्या होगा, L × I कौन सा, t = L/R टाइम पर जो करंट होगी ना वो वाली करंट अपॉन में R, तो L/R × I, और जो I है बेटा उसकी वैल्यू I0 ((1 - e−RT/L) के इक्वल होती है, सही है ना, यही वैल्यू होती है। और जब टी की वैल्यू एल बाय आर आप यहां रख दोगे एल बाय आर,
तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो e की पावर माइनस वन आ गया। तो i की वैल्यू i नॉट, i नॉट बेटा स्टेडी स्टेट के अंदर कितना होता है, जब ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है i नॉट की वैल्यू आती है e बाय r, शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट, तो करंट जो है वो i नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, e बाय r, ये e बाय r मैं यहां रख सकता हूं, और यहां पर बेटा वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, ये i की वैल्यू आई, और ये i की वैल्यू आपको यहां रखनी पड़ेगी, तो यहां रख दो बेटा l बाय r, और यहां पे आ जाएगा e बाय r, तो e बाय r हम रख दें यहां पर, देखिए l बाय r, i की वैल्यू e बाय r, एंड यहां पर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऑलरेडी r भी यहां बैठा था, तो ये r स्क्वायर भी आएगा, है ना, अभी गलती हो जाती, तो ये एल ई बाय आर स्क्वायर बाय 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 है। यहां पर आपको इसको देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ई एल बाय आर स्क्वायर, ई एल बाय आर स्क्वायर, ई एल बाय आर स्क्वायर सब में आ रहा है, और बाकी जो वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो आपके सामने है। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 है, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 है। वैसे अगर आपको आपको पता होना चाहिए कि जो करंट है बेटा, ये जो टी बराबर एल बाय आर जो टाइम लिया है, ये टाइम कांस्टेंट वाला टाइम है, और इस टाइम पर जो करंट होती है वो 63% होती है आई नोट का, मतलब ई बाय आर ये 63% आएगा, 0.63 टाइम्स ऑफ ई बाय आर आता है, 0.63 टाइम्स। तो यहां पर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो 0.63 और बाय 2, बाकी तो ई बाय ई एल बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये 0.63 है और डिवाइड में 2 है, तो इसको आप चाहो तो नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ से रफली वैल्यू कितनी आनी चाहिए आप देख सकते हो, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पर तो ये कितना आएगा, 0.31 के अराउंड आना चाहिए, और यहाँ से अगर आप देखो 0.31 के अराउंड किस में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, तो 10/3 ये ऑलमोस्ट 3 के बराबर है, तो 3 3 10 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर मैच कर रही है। देखो ये तो इनकरेक्ट हो गया पूरी तरह से, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये वाली वैल्यू अगर हम देखें तो 7.3 को 10 में डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसमें 10 में 2.7 को डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 19, ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए टाइम टी डिपेंडेंट करंट आई टी, ओके, टाइम डिपेंडेंट करंट आई टी दे रखी है और आई टी की वैल्यू आई नॉट टी 1 माइनस टी के इक्वल है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड में जो करंट फ्लो कर रहा है आई बराबर आई नॉट टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी के इक्वल है बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, ठीक है। ए रिंग ऑफ रेडियस 2 आर इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी, जब 1 से 0 के बीच में जब हम टाइम लेंगे यहां पर, the induced current IR and the induced EMF VR in the ring change as, तो किसके according ये value जो है वो change होगी। अगर आप बेटा इस equation को देखो तो यहाँ पर I बराबर I not T minus I not T square आ रहा है। अगर आप ये equation देखो तो ये parabola की equation बन रही है, मतलब current की equation या graph बनाया जाए T के साथ तो graph कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इसका, है ना, y बराबर 10 थीटा x माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में यही है। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड देन फिर वापस डिक्रीज होगी, कुछ इस टाइप से एक करंट रहेगी। और ये जो पॉइंट है, ये जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो 0 अगर आप रख के देखो तो t बराबर 1 सेकंड पे करंट की वैल्यू 0 होती है, 1 सेकंड है, और ये पक्का पक्का हाफ होगा। 0.5 पर अगर आप देखो ना तो di / dt की वैल्यू 0 है, di / dt 0 है बेटा, स्लोप 0 है, ठीक है। तो जो रिंग यहां पे रखी हुई अंदर ये सोलेनोइड है, आगे चलते हैं, चलो ये सोलेनोइड है, इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया और इसके अंदर एक रिंग रखी हुई है और सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कर रही है और उस करंट का ग्राफ ये है, इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ, आ गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ई बराबर इस सर्कुलर कॉइल का एल आ जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी आ जाएगा, यही तो आएगा, ठीक है, सॉरी एम एम एम, मैंने ये गलती कर दिया यहाँ पर, एम ई बराबर एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के लिए एम इंटू डी आई बाई डी टी, सही है, इस वजह से आप इसको लिख सकते हो बेटा। यहां पर
0.5 सेकंड पर डीआई बाई डीटी जीरो है तो उस केस में डेफिनेटली जो ईएमएफ है उस केस में पक्का पक्का जीरो होगा, ये तो कंफर्म है। तो यहां से देखते हैं क्या हिंट मिलता है हमें। देखिए डायरेक्शन ऑफ आईआर मतलब रिंग वेव में जो करंट फ्लो होगी ना रिमेन्स अनचेंज्ड एंड वीआर इज मैक्सिमम एट टी इक्वल्स टू 0.5। अरे वीआर तो उस केस में जीरो होगा तो ये तो गलत हो गया। वीआर मतलब ईएमएफ जो रिंग में इंड्यूस होगा। सेकंड कह रहा है टी इक्वल्स टू 0.5 सेकंड जो भी है टाइम डायरेक्शन ऑफ आईआर रिवर्सेस एंड वीआर इज जीरो। वीआर डेफिनेटली जीरो है। क्या करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी क्या इसमें? करंट ये वाली करंट नहीं, इसमें जो करंट फ्लो होगी अगर आप देखो तो सारा खेल जो करंट जो इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो होगी वो ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। अगर ईएमएफ की डायरेक्शन अगर चेंज होगी ना तो करंट भी चेंज हो जाएगी। सीधी सी बात है ईएमएफ की पोलरिटी और पोलरिटी जो है ईएमएफ की वो डीआई बाई डीटी पे डिपेंड करेगा। ईएमएफ करेगा नहीं करेगा अगर आप देखो तो यहां पर जो स्लोप है डीआई बाई डीटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इस वाले रीजन में डीआई बाई डीटी पॉजिटिव है और जैसे इस रीजन में हो जाएगा डीआई बाई डीटी बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप बदल रहा है, स्लोप इस तरफ और इस तरफ अलग अलग है तो इसका मतलब डीआई बाई डीटी की वैल्यू प्लस या माइनस होगी दोनों साइड में। EMF की वैल्यू प्लस या माइनस, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगी बेटा वो भी प्लस या माइनस, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन डेफिनेटली 0.5 सेकंड पर चेंज होगी बेटा। तो सेकंड ऑप्शन इसका पूरी पूरी तरह से करेक्ट है, थर्ड इसका इनकरेक्ट हो जाएगा और फोर्थ भी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मिडिल जो पॉइंट है वो 0.5 ही है। तो यहां से बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलें। देखिए कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट I फॉर्मिंग ए मैग्नेटिक डायपोल। The magnetic flux through an infinite plane that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given by phi I. The magnetic flux through the area of the circular coil are given is given by phi naught. Which of the following option is correct? तो option के according हमें ये बताना है कि phi I और phi naught में relation क्या है, है ना? तो बहुत ही प्यारा सा question है ये, आप थोड़ा गौर से देखना बेटा। ये circular coil है, ठीक है? अब आप ये मान के चलिए कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी सर्कुलर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो अंदर जाएंगी, ये भी कंफर्म है यहां पर, राइट? ये अंदर जा रही है फील्ड लाइंस। सपोज ये एन फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अंदर जा रही है और क्या केवल अंदर ही जाएंगे क्या घूम के नहीं आएंगे क्या? मतलब अगर आप कॉइल को अगर आप ढंग से देखो ये कॉइल, ठीक है, इस कॉइल में सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमें अच्छे से पता है कि करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगे। देखिए इसकी है? कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर से जाएंगी वही फील्ड लाइंस बाहर से घूम के वापस आएंगी। तो यहां पर जो इनफाइनाइट प्लेन आपको शो कर रखा है ये इनफाइनाइट साइज का प्लेन है। अगर ये n फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी तो ये पक्का n फील्ड लाइंस अंदर से जाकर वापस बाहर आएंगी, वापस बाहर आएंगी तो बाहर की तरफ पक्का डॉट रहेगा और जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी उतनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की अगर बात करें इनफाइनाइट अगर साइज ले लें तो उनका भी नंबर कितना रहेगा? n रहेगा क्योंकि जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर आएंगी और जो फ्लक्स होता है बेटा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसके बाहर वाला जो फ्लक्स है उसको इसने phi I नाम दिया है, बाहर वाला एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ लूप, बाहर वाला फ्लक्स उसको phi I नाम दिया है तो phi I डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू n होगा बाहर वाला। और अंदर वाले फ्लक्स की बात करें उसके लिए भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी की उतनी सेम है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा उसको phi naught नाम दिया वो भी n के प्रोपोर्शनल आएगा। इसका मतलब phi I और phi naught दोनों बराबर हैं बेटा अगर वैल्यू में देखें, मैग्नीट्यूड में देखें। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें ये अंदर है और ये बाहर है तो विद डायरेक्शन अगर आप बात करो तो बेटा phi I is equal to minus का phi naught आप लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है? हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 21, ए प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली एट इक्वल्स टू 0, द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट रोटेट्स विद पीरियड ऑफ 10 सेकंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली एट, ठीक है? तो लूप आपको दे रखा है एक, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ लूप दे रखा है और लूप का जो प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बेटा, मतलब कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अज्यूम कर लिया आपने और ये लूप है,
लूप का प्लेन आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस टाइप से है, और इस लूप को बेटा इस एक्सिस के अबाउट यूं घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इनिशियली देखा जाए तो थीटा जीरो है, बी और ए की तरफ है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है इस रोटेटिंग लूप के लिए, ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। अगर थीटा एंगल अगर रोटेट होता है बेटा तो फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एंड देन डिफरेंशिएट करोगे तो उसके बाद में ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी एक्चुअल में थीटा एंगल होता है, ठीक है। थीटा टी बराबर जीरो पे बात करें तो जो ईएमएफ है वो जीरो आएगा। मैक्सिमम बात करें तो कन्फर्म है कि जो बी वैक्टर है और जो एरिया वैक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कितना होगा? जीरो होगा। तो मिनिमम कब होगा? जब ओमेगा टी की वैल्यू या तो जीरो हो, ठीक है, या पाई हो या टू पाई हो, इस ऑर्डर में हो, तो वो पक्का कन्फर्म जीरो होगा। अब ये कह रहा है कि ये 10 सेकंड के ऑसिलेशन से ये घूम रहा है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है बेटा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू है ईएमएफ की वो किस किस समय पे होगी। तो जैसे मैक्सिमम की बात करें, कह रहा है कि 5 सेकंड पे होगा, 5 सेकंड पे होगा, 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, टाइम पीरियड 10 सेकंड है, मतलब एक चक्कर में इसको 10 सेकंड का टाइम लगेगा, बहुत धीमे धीमे घूम रहा है ये। तो आधा जब घूम जाएगा तो ये लूप का जो एरिया वेक्टर अपोजिट हो जाएगा, तो उस केस में थीटा 180 आ गया, थीटा 180 मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 180, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू इवन जीरो हो जाएगी, वो तो मिनिमम वैल्यू होगी, वो तो मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए बात करें 5 सेकंड से ही है, तो मैक्सिमम ये गलत, ये गलत, ये देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सही है, ये वाला पढ़ा मिनिमम सही है। और मैक्सिमम की बात करें तो जब 5 सेकंड आधे चक्कर में लग रहा है तो 1/4 चक्कर कितने टाइम में लगेगा? 2.5 सेकंड में। तो 1/4 जब चक्कर लगेगा इसका तो एंगल कितना बनेगा इसका एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री। और जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा या 90π/2 होगा तो उस केस में ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है बेटा, इसका मतलब 2.5 सेकंड पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ये सही है। तो 2.5 पे मैक्सिमम आएगी और 7.5 पे भी मैक्सिमम आएगी, क्यों? क्योंकि जैसे लूप है अभी जो आपको नजर आ रहा है, फिर 90 डिग्री घुमा 2.5 सेकंड, 180 डिग्री घुमा 5 सेकंड, फिर 270 डिग्री घुमा 270 डिग्री घुमा, देन अगेन वैल्यू मैक्सिमम होगी। बोलो हाँ या ना, ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब 7.5 सेकंड पर भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? फोर्थ, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 22, एन ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड एट टी इक्वल्स टू 0 टू ए सर्किट कंटेनिंग इन सीरीज 100 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 5 ओम रेजिस्टर, द रेशियो ऑफ द करंट्स एट टाइम टी इक्वल्स टू इनफिनिटी एंड टी इक्वल्स टू 40 मिली सेकंड इज क्लोज टू। तो बेटा जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी तो उस केस में करंट जो होती है उसको हम बोलेंगे करंट एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू ई बाय आर के इक्वल होता है, और ई की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, देखिए कितना है, 20 है, और रेजिस्टेंस बेटा 5 ओम है, डिवाइड करोगे तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। और किसी टाइम पर अगर हमसे करंट पूछे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट है राइट, आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। यहां पर I नॉट जो है 4 के एग्जैक्टली इक्वल है, ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस r, r जो कि 5 ओम के इक्वल है, t बेटा 40 मिली सेकंड है, 40 मिली सेकंड मतलब 40 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली के लिए, टाइम टाइम रख दिया मैंने अपॉन में l, l की बेटा बात करें तो 100 मिली हेनरी है, तो 100 मिली हेनरी मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया, तो इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा मिली, और ये 200 आ जाएगा, 200 बाय 100 मतलब 2 आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर देखें तो 4 ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आई 4 ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन ई स्क्वायर बेटा, ये आ जाएगी वैल्यू 7.389, ठीक है। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आई नॉट बाय आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट तो 4 है, और जो I है वो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, और यहां से I की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड करोगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा? थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गोस इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया डिफाइंड बाई क्लोज लूप शोन इन द फिगर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस लीनियरली टू 500 गोस
in the next 5 seconds, then the induced EMF in the loop is. आपको लूप गिवन है, आपको कुल मिलाकर के इसमें इसकी जो ज्योमेट्री है उस पर जाना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दे रखा है कि लीनियरली वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से. पहले मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B1 था, या मान लीजिए B1 था सपोज, और थोड़ी देर बाद में B2 हो गया, डिक्रीज हो रहा है देखो, और ये इंटरवल टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड. तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि dB/dt कितना होगा, किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो आप स्लोप से फाइंड कर सकते हो. स्लोप डेफिनेटली आपके नेगेटिव आएगा, तो dB/dt बेटा यहां से क्लियरली पता लग रहा है हमें माइनस का है ना B1 - B2 / T. T यहां पर 5 है और B1 की वैल्यू जो भी है 1000 गॉस और B2 की वैल्यू जो है 500 गॉस है, राइट बेटा. ये वैल्यू रख करके आप dB/dt की वैल्यू निकाल सकते हो. अब हमें E निकालना है. E बराबर होता है d5/dt, ठीक है, d5/dt. phi होता है एरिया इनटू में बी, तो एरिया तो इसका फिक्स रहेगा. और एरिया अगर आप देखें बेटा, तो यहां पर आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना है इस लूप का, देखिए ये वाला एरिया, तो आप क्या करें, पूरा इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें. रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा यहां पर अगर हम बात करें, तो ये 16 है, ये 4 है, तो 16 × 4 cm × cm, मतलब 10⁻²× 10⁻², मतलब 10⁻⁴. ये एरिया आ गया कंप्लीट. इस एरिया में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक तो इस ट्रायंगल को, एक इस ट्रायंगल को. इस ट्रायंगल का एरिया देखा जाए तो एरिया कितना आएगा, 1/2 × बेस कितना है 4, इनटू हाइट कितनी है 2, इससे कटेगा तो 4 आ जाएगा. इसका भी सेम 4 आएगा, 4 × 4 हो गया 8, मतलब 8 × 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 64, और ये बेटा 8 है, तो 64 - 8 अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 56, 56 × 10⁻⁴ m². ये एरिया आ चुका है, तो इस एरिया को मैं वहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 56 × 10⁻⁴, ये dB/dt है ना, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास EMF आ जाएगा. तो एरिया आ चुका है, इसको मैं dB/dt से मल्टीप्लाई करूंगा. देखो बी को देखो, यहां पे 1000 था और यहां पे 500 है, 1000 - 500 की बात करें तो बेटा आ जाएगा 500. डिफरेंस तो वही आएगा ना, 1000 - 500, मतलब 500. बाई टी की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड, 5 से डिवाइड कर देंगे बेटा. ये इसे यहां पर देखा जाए तो कट जाएगा ये वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा 100, राइट. 56 × 10⁻⁴ × 100 बेटा. लेकिन ये गॉस है, ये ध्यान रखना, ठीक है. और गॉस को अगर आप टेस्ला में अगर कन्वर्ट करोगे बेटा, टेस्ला के अंदर गॉस की वैल्यू टेस्ला के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें, तो 1 टेस्ला जो है या 1 गॉस जो है वो 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है. तो 10⁻⁴ टेस्ला, यहां पर एक गॉस है ये, ठीक है. तो इसको आप टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ आप टेस्ला में इसको लिख सकते हो बेटा, राइट. और हालांकि हमें आंसर वोल्ट में चाहिए, तो यहां से देखिए जरा, 10⁻² है, 10⁻⁴ है, तो 10⁻², बचेगा ये 10⁻⁴ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 × 10⁻⁶. और 10⁻⁶ को आप क्या लिख सकते हो, माइक्रो, तो 56 माइक्रोवोल्ट इसका आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. LR सर्किट गिवन आपको. As shown in the figure, a battery of EMF E is connected to an inductor L and resistance R in series. The switch is closed at t = 0. The total charge that flows from the battery between t = 0 to t = tc. Tc is the time constant of the circuit. ठीक है, time constant of the circuit. अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को किया था और हमसे ये पूछा गया था कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, है ना. तो आपको याद होगा चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी. तो उस क्वेश्चन पे मैं अगर आपको लेके चलूँ तो देखिए जरा. यस, ये देखिए ये क्वेश्चन था. सेम क्वेश्चन है LR सर्किट का आपके पास. ये 18th नंबर क्वेश्चन था बेटा, राइट. और अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास. सेम डिटो क्वेश्चन था. इसका आंसर 2EL/2.7R² आया था, आप याद करें. तो सेम, तो 2.7 जो है वो E की वैल्यू होती है, ठीक है. तो ये EL/r² के इक्वल आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा बेटा उस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, 24 का फर्स्ट ऑप्शन, राइट. 24 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 25.
two coils P and Q are separated by some distance. When a current 3 ampere flows through coil P, a magnetic flux of 10 to the power minus 3 Weber passes through coil Q. No current is passed through Q when no current passes through P, and a current of 2 ampere passes through Q, the flux through P is. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पर बेस्ड है, मतलब M12 M21 के इक्वल होता है, उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। अगर आप बोर्ड से देखें बेटा, जैसे आपके पास एक कॉइल है P, एक कॉइल है Q, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो M12 या M21 की बात करें वो इक्वल रहता है बेटा। अगर आप 3 एम्पियर करंट जो है वो कॉइल P के अंदर फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, और जो कॉइल Q है इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 10 टू द पावर माइनस 3 है, ठीक है, तो फाई जो है बेटा वो m इंटू 3 के इक्वल होगा, ठीक है, m इंटू 3 के इक्वल होगा, मतलब करंट आप इसमें पास करवाओ, फ्लक्स आप इसमें फाइंड करो। तो यहां से फाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू 3, तो यहां से m की वैल्यू आ गई 1 बाई 3 10 टू द पावर माइनस 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि अगर आप Q में करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो करवाओ, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, तो बताइए P में फ्लक्स कितना पास होगा, मतलब P वाला फ्लक्स पूछा है आपसे, ठीक है, तो अब इसमें भी सेम अप्रोच लगा दो, P में जो फ्लक्स पास होगा वो फाई होगा सपोज, या फाई डैश होगा, एंड विच इज इक्वल टू एम इंटू करंट कौन सी, क्यू वाली 2, ठीक है। अब आप फाई डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, तो एम की वैल्यू वहां से देखो बेटा कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 3, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 by 3 in 10 to the power minus 3, तो इसमें 20 by 3 करके into 10 to the power minus 4 कर देता हूँ, तो 20 by 3 कितना हो गया 6.6 something ना, और 10 to the power minus 4 भी आएगा, तो correct option कौन सा हो जाएगा बेटा, third हो जाएगा, ठीक है। चलिए next question पे चलें, आइए, a loop A B C D E F A of straight edges has 6 corners, points A 0,0,0, B का भी दे रखा C D E F, है ना, तो ये कई सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला। द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप ए बी सी डी ई एफ ए इन वेबर इज, मतलब फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट्स को आप लोकेट करें, डायग्राम बना करके देखिए, इनमें तीनों कोऑर्डिनेट्स है बेटा, एक्स के भी हैं, वाई के भी हैं, जेड के भी हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये 0 0 0 5 0 0 5 5 0, है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं ये क्यूब के कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और क्यूब की जो लेंथ है वो मैं साइड लेंथ जो है वो मैं 5 के अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करूं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट सेट भी हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को देखो, ऑब्जर्व कीजिए, ए जो है वो 0,0 मतलब ए यहां पर होगा, बी 5,0,0 एक्स एक्सिस पे, बी यहां पे होगा बेटा, सी जो है वो 5,5,0 मतलब यहां पे होगा सी, D की बात करें 050 मतलब y एक्सिस पे होगा D, देन E की बात करें 055 मतलब x 0 होना चाहिए, y एंड z 55 है, तो इसका मतलब E जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे आ जाएगा, एंड F जो है वो 005 मतलब z एक्सिस पे प्रेजेंट है, F यहां पे आ गया बेटा। आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड 3i के प्लस 4k के, 3i के बोले तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, देखो 3i के मतलब x डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा, इसको मैं यूं ड्रॉ कर दूं 3 only magnitude and 4k cap beta ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, individually मैंने इन दोनों field को यहाँ पर show कर दिया। अब आपको flux बताना है कौन से face में से, देखिए ये वाला, देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला, मतलब इस complete loop में से आपको बताना है a b c d e f a इस loop में से। तो अब इस loop को दो part में अपन split कर सकते हैं, एक part तो ये वाला हो गया, देखो इस part के लिए बात करूं मैं तो इस 3 का तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसमें से केवल 4 का फ्लक्स आएगा, क्योंकि 4 वाला जो फील्ड है ना वो इस एरिया के अलोंग है बेटा, इसके एरिया के अलोंग है, तो इसका जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो आप इजीली आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो, और वैल्यू कितनी आएगी 4 फील्ड की वैल्यू आ गई इनटू में ये वाला एरिया, एरिया का स्क्वायर, एरिया कितना आएगा 5 × 5 स्क्वायर 25 और कितना आ गया 100 वेबर, तो ये 4 के कारण है, 3 के कारण 0 आ जाएगा इसमें। अब इस वाले फेस को ले लो, इस वाले को देखो तो 4 वाला जो है वो इसके फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन जो 3 है वो इसमें से पास होगा, तो इसके कारण जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू अगेन एरिया कितना आएगा 25, तो 3 × 25 = 75, तो टोटल फ्लक्स कितना आया 100 + 75 मतलब 175,
तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास 175 वेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन ए फ्लोरोसेंट लैंप चौक ए स्मॉल ट्रांसफॉर्मर 100 वोल्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द चौक करंट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.25 एम्पीयर टू जीरो इन ए ड्यूरेशन ऑफ 0.025 मिलीसेकंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द चौक इन मिली हेनरी इज एस्टिमेटेड टू बी। तो एक्चुअल में देखा जाए यहां पर रिवर्स वोल्टेज जो है ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में ये आपको इंड्यूस ईएमएफ दे रखा है चौक कॉइल के लिए बेटा, और जो ई है वो एल डीआई बाई डीटी के इक्वल होगा, और जो ई है वो आपको 100 गिवन है, एल आपको फाइंड करने के लिए बोला है, और जो करंट है वो 0.25 से 0 में ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो रहा है, तो चेंज कितना है यहां पर 0.25 अपॉन टाइम कितना लगा इसमें 0.025 मिलीसेकंड, मिली मतलब 10 to the power -3। ठीक है बेटा, तो यहां से आप इसको कट करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10 से 10 ही बेटा ये कट हो गया, और 10 to the power -3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो L बराबर आ जाएगा 10 × 10 to the power -3 हेनरी, मतलब 10 मिली हेनरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मिली हेनरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए बेटा, ए सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर 120 माइक्रोफेरेड एंड ए रेजिस्टर 60 ओम इज ड्राइवन बाय एन एसी सोर्स ऑफ 24 वोल्ट ऑब्लिक लगा के लिखा है 50 हर्ट्ज, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है बेटा। ठीक है, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 60 सेकंड, तो एनर्जी आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें एनर्जी, बहुत ही सिंपल है बेटा, पी आपको फाइंड करना पड़ेगा है ना, एवरेज पावर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा, और एवरेज पावर क्या होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कॉस पाई, कॉस पाई फाइव जो है पावर फैक्टर होता है, और आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में आर बाय जेड है ना। यहां बेटा वी आर एम एस जो है, या अगर मैं आई आर एम एस, क्योंकि हमें वी की वैल्यू दे रखी है, देखिए यहां पर है ना वोल्टेज दे रखा है 24 वोल्ट, तो ये वी आर एम एस है, तो आई आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ वी आर एम एस बाय जेड, तो आई आर एम एस को वी आर एम एस बाय जेड लिखूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाय जेड स्क्वायर। बेटा वी आर एम एस की वैल्यू 24 है तो वो 24 रख देंगे, आर की वैल्यू आपके पास 60 ओम है 60 ओम भी रख देंगे, जेड स्क्वायर, जेड की बात करें तो आता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, आर बेटा हमारे पास है 60 का स्क्वायर प्लस एक्सएल होता है बेटा ओमेगा इनटू में एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ बेटा, एफ आपको 50 दे रखा है तो 2 पाई इंटू 50, ठीक है, इंटू में एल, एल आपको दे रखा है 20 मिली हेनरी बेटा, तो 20 × 10 to the power -3 ये आप रख दोगे। ठीक है, तो ये ओमेगा एल आ गया, मतलब एक्सएल आ गया, माइनस एक्ससी 1/ωc होता है तो 1/ω मतलब अगेन 2 पाई एफ मतलब 50 इंटू सी की वैल्यू बेटा आपको 120 माइक्रोफेरेड दे रखा है तो 10 × 10 to the power -6 ये वैल्यू आपने एक्ससी के लिए लिख दिया, और ये एक्सएल, इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास जेड स्क्वेयर की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जेड स्क्वेयर बेटा आप यहां रख सकते हो, और आर की वैल्यू 60 ओम आप यहां रख सकते हो, और वी आर एम एस जो कि आपको एक्जेक्टली 24 वोल्ट दे रखा है बेटा वो आप रख सकते हो, ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास पावर आएगा, और पावर को अगर आप 60 सेकंड से टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो एनर्जी आ जाएगा, जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी बेटा, 10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी है ना, टी इंटू टी, टी और टी की वैल्यू 10 सेकंड। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका ऑप्शन आएगा 3rd। ठीक है बेटा, तो ये इसमें केवल कैलकुलेशन है पूरे क्वेश्चन के अंदर, बाकी कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो सिंपल सी अप्रोच है, पावर निकालो और पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास हीट डिसिपेशन आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज VT 220 sin 100 pi t वोल्ट इज अप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑफ 50 ओम, the time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value is, मतलब half peak value, मतलब जैसे peak value अगर मैं I naught consider करूं तो half I naught by 2 होगा, तो I naught by 2 से I naught तक जाने में current को कितना time लगेगा, let's say I is equal to I naught sin omega t, ये मैंने assume कर लिया। ठीक है, तो जब
शुरू से, मतलब टी बराबर जीरो पे करंट की वैल्यू जीरो है सपोज, तो कितने टाइम बाद में करंट की वैल्यू आधी हो जाएगी पीक वैल्यू की, मतलब आई की वैल्यू आई नॉट बाई टू हो जाएगी। तो अगर आई बराबर आई नॉट बाई टू होगा तो उस केस में बेटा आई नॉट साइन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू वन बाई टू, देन ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई सिक्स ना, तो टी बराबर आ जाएगा टी बराबर कितना आया हमारे पास पाई बाय सिक्स ओमेगा। मतलब अगर मैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो टी बराबर जीरो पे यहाँ पे है करंट और टी बराबर पाई बाय सिक्स ओमेगा पे करंट जो है वो आई नॉट बाई टू के इक्वल है, एंड देन फिर कुछ टाइम बाद में करंट अपनी पीक वैल्यू तक भी जाएगी। तो हमें टाइम ये वाला निकालना है, ये वाला, तो यहां से यहां तक वाला टाइम मैं कैलकुलेट कर चुका हूं पाई बाय सिक्स ओमेगा। अब मुझे यहां से यहां तक वाला टाइम कैलकुलेट करना है जीरो से पीक वैल्यू वाला। तो जीरो से पीक वैल्यू की बात करें बेटा, तो आई की वैल्यू आई नॉट रख दूंगा, तो जब आई बराबर आई नॉट होगा सीधी सी बात है साइन ओमेगा टी की वैल्यू वन हो जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय टू होगी तभी तो वन होगा, देन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाय टू ओमेगा। इसका मतलब ये वाला जो टाइम है पाई बाय टू ओमेगा बेटा, ये टी वन लिख दो, ये टी टू लिख दो, पाई बाय टू ओमेगा। तो हमें तो ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है, ये वाला बीच वाला गैप, तो ये टाइम कितना होगा टी टू माइनस टी वन पाई बाय टू ओमेगा माइनस पाई बाय सिक्स ओमेगा। तो पाई बाय टू ओमेगा माइनस पाई बाय सिक्स ओमेगा कितना होता है पाई बाय थ्री ओमेगा बेटा। जो टाइम आएगा ना वो आ जाएगा पाई बाय थ्री ओमेगा, और ओमेगा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस रिलेशन को देखो 220 साइन 100 पाई टी, तो ओमेगा यहां से आ जाएगा 100 पाई रख दीजिए बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू कितनी आई 1/300, और आंसर मिली सेकंड में दे रखा था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आगे मिली सेकंड लिख दो, इससे कट करोगे 10/3 कितना होता बेटा 3.3 समथिंग, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सेकंड 3.3 मिली सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, ए सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन 100 टी विद टी इन सेकंड्स गिवन गिव्स ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 4 बिटवीन ईएमएफ ई एंड करंट आई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल एग्जिबिट दिस। तो अगर फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाय 4 है, ठीक है, और उस सर्किट के अंदर अगर केवल रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है, मतलब आरएल है या आरसी है, केवल आरएल और आरसी के ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये कंफर्म है कि tan phi की वैल्यू, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 4 है तो tan phi की वैल्यू 1 आएगी। अगर उस सर्किट के अंदर इंडक्टर और रेजिस्टर हुआ तो tan phi डेफिनेटली XL बाय R के इक्वल होगा, अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर हुआ तो अगेन XC बाय R के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू 1 है तो XL की वैल्यू भी R के बराबर होनी चाहिए अगर RL सर्किट है तो, या XC की वैल्यू भी R के बराबर होनी चाहिए। तो आपको इन ऑप्शन के अंदर ये चेक करना है कि किसमें XL R के बराबर है या XC R के बराबर है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, R 1 किलो ओम है, चलिए 1 किलो ओम है, L की वैल्यू 1 मिली हेनरी है बेटा, तो XL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओमेगा इंटू एल होगा ये, ओमेगा कितना है बेटा ओमेगा है 100, देखिए इस इक्वेशन से देखिए ओमेगा है 100 रख देते हैं यहाँ पर, और L की वैल्यू कितनी 1 मिली हेनरी मतलब 10^-3, तो इसको कट करके 1 आ जाएगा सिंपल, लेकिन R तो 1 किलो ओम है मतलब 1000 है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए आरएल सर्किट, आर 1 किलो ओम, अगेन आर 1 किलो ओम है लेकिन एल 10 मिली हेनरी है, मतलब केवल इसको 10 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन ये 1000 के बराबर तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखिए आर से सर्किट विद आर इक्वल्स टू 1 किलो ओम, यस आर 1 किलो ओम है मतलब 1000 है ये, और एक्सी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां पर सी की वैल्यू बेटा 10 माइक्रोफेरेड दे रखी है और एक्सी होता है 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू बेटा 100 और सी की वैल्यू 10 माइक्रो मतलब 10^-6 बेटा, ये 1000 ये 10^-6 10^-3 बचेगा, ऊपर जाएगा 10^3 हो गया, मतलब 1000 इधर 1000 इधर, मतलब 1000 बराबर आया कि नहीं आया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। ओके, तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन सॉरी ईएमआई EMI, AC and EMW पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस बेटा, ठीक है, ये हमने अभी पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया, पार्ट सेकंड के अंदर आगे हम इससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए आप, और मेनली देखा जाए जो JEE मेंस के जो क्वेश्चंस है बेटा उनमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है, बाकी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उसके अलावा LR सर्किट, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए, थैंक यू।